मॉर्निंग बच्चों, मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था वंचित बालक वंचित लोगों का मतलब वंचित शब्द का अर्थ पढ़ा था और क्या बोलते किस प्रकार से लोग वंचित हो सकते हैं समाज के अंतर्गत या फिर शिक्षा के अंतर्गत। तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। जैसे जानते हैं कि चैप्टर में लिखने हुआ है कि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वंचितों के लिए शिक्षा, तो ये पूरा उसका निचोड़ है कि सभी सामाजिक हो आर्थिक हो सांस्कृतिक हो या किसी भी तरह से वंचित लोग हैं उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रयास किया गया, किस प्रकार की शिक्षा को बनाया गया है। तो ये पॉइंट है, ये 7 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रयास किए गए हैं ये प्रयास है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत, ये प्रयास हमारे किए गए हैं किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रयास किए गए हैं। तो पहला मुख्य प्रयास क्या है इनका, चलिए देखते हैं। पहला है केंद्र सरकार द्वारा वंचित वर्गों की मैट्रिक पूर्व छात्रों के लिए 1977 से 1978 से प्रारंभ की गई है। मतलब जो मैट्रिक के बाद जो छात्र हैं उनके मैट्रिक के बाद जो वंचित छात्र हैं उनके लिए यह प्रयास किस समय किया गया है, 1977 में और 1978 के बीच में किया गया है। इनमें 1 से 5 तक के SC ST के बच्चों को 25 रुपए प्रति माह, कक्षा 8 तक के छात्रों को 200 रुपए प्रति माह और कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को 250 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब सरकार ने प्रयास किया है, ये सरकार ने वंचित छात्रों को या वंचित लोगों को, तो उन्होंने क्या किया है कि अलग SC ST वर्ग के लिए जो अलग अलग कक्षा के अंदर अलग से पढ़ते हैं उनके लिए एक धनराशि बना दी है कि उनको प्रति माह इतने इतने रुपए मिले हैं ताकि वो उस रुपए से उन रुपए का सही उपयोग करके कुछ अपने लिए कर सके। उसके बाद क्या है, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 500 रुपए मासिक अनुदान भी दिया जाता है। केंद्र सरकार का एक मुख्य पॉइंट ये भी था कि जो बच्चे मतलब रूम लेके रहते हैं या छात्रावास में मतलब कमरे में छात्रावास से बोलते हैं जो विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चों के लिए कक्षा या रूम बनाया जाता है रहने के लिए उसे छात्रावास कहते हैं। तो छात्रावास के अंतर्गत उन्हें क्या मिलता है, छात्रों को 500 रुपए मासिक मिलता है, मतलब प्रति माह उनको 500 रुपए मिलता है। ये उन्होंने 500 रुपए अनुदान रखा है इसके लिए छात्रावासों के मिलाने वाले छात्रों के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 1987 से 1988 में केंद्र सरकार ने SC ST के छात्रों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु मेरिट उन्नयन योजना प्रारंभ की। मतलब केंद्र सरकार ने क्या करा, 1987 और 88 के अंतर्गत उन्हें SC ST के लिए क्या करा, शैक्षिक स्तर को पढ़ाने के लिए मेरिट उन्नयन मतलब मेरिट की व्यवस्था करती, मेरिट की योजना बनाना स्टार्ट कर दी। इसमें छात्रों को शिक्षा के साथ साथ कोचिंग की व्यवस्था भी की गई। मतलब जो छात्र विद्यालय पढ़ते हैं उसके अतिरिक्त वो कोचिंग के द्वारा भी पढ़ सके उसकी व्यवस्था भी की गई और कौन सी कक्षा के लिए की गई, कोचिंग व्यवस्था 9 से 12 तक के छात्रों के लिए की गई। कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कोचिंग व्यवस्था उनकी कर दी गई। तीसरा पॉइंट क्या है, जनजाति क्षेत्रों में आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित करने की योजना 1990 से 1991 के इन
91 से केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, मतलब जो जनजाति क्षेत्र है उसमें जो है आश्रय प्रगति, मतलब आश्रम के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, आश्रय प्रगति विद्यालय में जो ज्ञान या जो शिक्षा दी जाती है उसकी योजना का भी आरंभ किया। कौन सन में? 1990 में से 1951 के बीच में केंद्र सरकार ने। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, 1991 से 92 से SC ST के छात्रों के लिए चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की पुस्तक बैंक योजना प्रारंभ की गई। मीन्स केंद्र सरकार ने एक और कदम क्या उठाया, उन्होंने 1991 से 1992 के बीच में एक चिकित्सक मतलब डॉक्टरी और इंजीनियर के पाठ्यक्रम के लिए जो पुस्तकें उपलब्ध कराई वो कहाँ कराई, पुस्तक बैंक में कराई और इसकी योजना बनाई। इसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, इसमें कृषि पशु शिक्षा और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों को भी सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत क्या करा गया, इन जो पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1991 से 92 के बीच में। अब पॉइंट आता है 5, इसमें केंद्र सरकार ने क्या किया, इसमें केंद्र सरकार ने 1993 से 94 के बीच में जनजाति बालिकों के लिए आवासीय विद्यालय की योजना बनाई। सरकार ने सब सारे पॉइंट को देखा और समझा तो सोचा कि बालिका वर्ग के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या करा, बालिकाओं के लिए भी योजना बनाई और आवासीय मतलब वो विद्यालय के कैंपस के अंतर्गत रह कर भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उसके बाद सिक्स में क्या है, SC ST के युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। सरकार ने क्या करा, शिक्षा पर तो मतलब फोकस किया ही किया वंचित बालकों के लिए, लेकिन उन्होंने फिर क्या 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 महसूस किया कि शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय शिक्षा भी अगर दी जाए तो वो बच्चे या वंचित लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन सही रूप से कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वंचित व्यवसाय प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करा दी हर क्षेत्र के अंतर्गत। सातवां लास्ट पॉइंट क्या है, वंचित वर्गों की शिक्षा विशेषकर SC ST के छात्रों के लिए उच्च शैक्षिक संस्थाएं जैसे IIT, क्षेत्रीय इंजीनियर कॉलेजों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थान आरक्षित कर दिए। मतलब सरकार ने क्या करा, SC ST जो वंचित लोग हैं या वंचित छात्र हैं SC ST वाले उच्च शिक्षा के लिए उस शिक्षा संस्थानों में उन्होंने क्या करा, उन्होंने IIT मतलब पाठ्यक्रम में और केंद्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर उन्होंने क्या करा, एक स्थान मतलब आरक्षित स्थान 20%, 10%, 50% जो भी उन्होंने एक एरिया रख दिया कि इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो SC ST के अंदर पढ़ेंगे। मतलब जैसे 20% बच्चे हैं, मतलब 100% अगर सीटें हैं कॉलेज में तो 20% जो सीटें हैं वो SC ST के लिए रखी जाएंगी। ये शिक्षा ये स्थान उनके लिए आरक्षित कर दिए गए, मतलब इनके लिए पूर्ण रूप से आरक्षित था कि ये जो मतलब इतना परसेंट बच्चा है वो SC ST का इस विद्यालय में एडमिशन लेगा। तो ये सब सरकार ने प्रयास किए वंचित वर्ग के छात्रों के लिए या वंचित वर्ग के लोगों की शिक्षा के लिए सरकार ने ये मेन प्रयास किए और इन पे वो काम कर रहे हैं और आज तक इन पे कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो बच्चों आप इन सब पॉइंटों को नोट करते जाइए, अपने नोटबुक में लिखते जाइए और नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको आगे किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और आप एग्जाम टाइम पे अच्छे से इसका आंसर लिख सकें। तो फिर हम आपसे मिलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर मिलते हैं, बाय बाय।